हाय फ्रेंड, आज मैं आपके इस वीडियो में बताने वाला हूँ YouTube की एक बहुत ही शानदार सेटिंग जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जैसे YouTube का इस्तेमाल करते हो, वहाँ पर आप कोई गाना यूज करते हो, गाना चलाते हो और उसे चलाने के बाद आप जैसे अपने फ़ोन का लॉक लगा देते हो तो वहाँ पर से आपका गाना बंद हो जाता है, आपका YouTube वहाँ से हट जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आप अपने YouTube के गाने को MP3 में भी सुन सकते हो। जैसे आप वीडियो के गाने को, कोई भी गाने को आप चला देते हो और वहाँ से अगर आप बैक चले आते हो तो बैक आने के बाद आपका गाना चलता रहेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ और क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च बार पर सिंपल प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में सर्च बार देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हो, क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप करना है YouTube.com। यहाँ पर आपको YouTube.com लिख कर सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट कर देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में 3 डॉट देखने को मिल जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करोगे, क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने नीचे की साइड में ऑप्शन आ जाता है डेस्कटॉप साइड। तो यहाँ पर आपको इसे ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ऑन कर देने के बाद में यहाँ पर आपके सामने काफ़ी गाने या आपका पूरा YouTube यहाँ पर खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में सर्च बार भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी गाना सर्च कर सकते हो और सर्च ना करो तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप कोई भी गाना मैं यहाँ पर प्ले करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे इस वाले गाने को प्ले करके बता देता हूँ। प्ले होने के बाद में यहाँ पर इस पर एड वगैरह आ गया। तो एड आने के बाद में यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर से इस वीडियो को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर से आपको डायरेक्ट बैक चले आना है और बैक आने के बाद में यहाँ पर आप जैसे नीचे की साइड में नोटिफिकेशन बार में देखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका गाना आ रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि एड आ रहा है। एड आने के बाद में आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सॉन्ग प्ले हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप अपने फ़ोन का लॉक भी लगा दोगे तो भी आपके फ़ोन का म्यूजिक चलता रहेगा, लॉक में भी आपका गाना बजता रहेगा। इस प्रकार से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आप यहाँ से वापस YouTube पर जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप डायरेक्ट अपने YouTube पर पहुँच चुके हो। अगर आप अपने फ़ोन का लॉक भी लगा दोगे तो भी आपका गाना बजता रहेगा। इस प्रकार से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए।